सभा न्यूज स्ट्रीट मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ भोपाल। छतरपुर जिले के सिद्धिपीठ बागेश्वर धाम में 155 सामूहिक विवाह महायज्ञ का आयोजन आज से हो रहा है, जिसकी तैयारियों का जायजा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने लिया। उन्होंने कहा कि करीब 104 एकड़ में विवाह महायज्ञ का आयोजन हो रहा है, जिसमें करीब अनाथ बेटियों का विवाह संपन्न कराया जाएगा। आयोजन में आने वाले श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य से जुड़ी कोई दिक्कत न हो, इसके लिए एक अस्थायी क्लिनिक भी खोला गया है, जिसमें एम्बुलेंस से लेकर सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। भव्य और दिव्य व्यवस्थाएं हैं। बुंदेलखंड का पांचवा महाकुंभ चल रहा है, आज उसका प्रथम दिवस है और हजारों लाखों लोग यहां पहुंच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, यज्ञ की परिक्रमा कर रहे हैं, यज्ञ नारायण भगवान के दर्शन कर रहे हैं, कथा को भी सुन रहे हैं, भंडारा प्रसाद भी पा रहे हैं, प्रदर्शनी के भी दर्शन कर रहे हैं। बहुत व्यापक व्यवस्था है, लगभग 140 एकड़ में जो यह आयोजन महाकुंभ का, बुंदेलखंड के महाकुंभ का किया जा रहा। 8 मार्च को 155 बारात निसहाय बेसहारा बेटियां, और ये भारत के लिए नया संकल्प दिया गया, नई यात्रा दी गई, भारत के लिए नया आयाम दिया गया कि भारत के प्रत्येक मंदिरों की दान पात्र में आने वाली दान राशियों से अगर गरीब बेटियों का घर बसाना प्रारंभ कर दिया जाए, अगर अस्पताल बनाना प्रारंभ कर दिए जाए, गुरुकुलम बनाना प्रारंभ कर दिए जाए, तो इस देश की आधी गरीबी तत्क्षण मिट जाएगी और भारत विश्व गुरु बहुत जल्दी बन जाएगा। यहाँ पे हमने वर्तमान में 4 एम्बुलेंस भी तैनात किए हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को कोई गंभीर होता है तो उनको हम तत्काल जिला अस्पताल यहाँ पे प्राथमिक उपचार देने के बाद शिफ्ट करेंगे, और यहाँ पे हमने पूरी दवाइयाँ और जितना भी जो भी आवश्यक मेडिसिन और उपकरण की आवश्यकता थी वो मैंने सब यहाँ पे व्यवस्थित कराए हैं, और ये व्यवस्था यहाँ से 1 से 8 मार्च तक रहेगी।